हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वसुंधरा और आप सभी का यस टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूं जो कि एक साधु के ऊपर है। जी हां, तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक साधु था, वो भगवान में बहुत आस्था रखता था, उसे अपने भगवान में बहुत ज्यादा यकीन था। इसी तरीके से एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठ कर तपस्या कर रहा था, अपने भगवान की भक्ति में लीन था। वो पूरे मन से पूजा कर रहा था और उसे पूरा यकीन था कि कुछ भी हो जाए उसके भगवान उसका हमेशा साथ देंगे। और इसी तरीके से पूजा करते हुए वहां पर बाढ़ आ गई। सब लोग इधर से उधर भागने लगे, ऊंचाई की ओर जाने लगे ताकि वो बाढ़ से बच सके, लेकिन साधु टस से मस ना हुआ, वो वहीं का वहीं बैठा रहा। इतने में एक आदमी आया, उसने साधु को बोला कि आप ऐसे क्यों बैठे हो, आप डूब जाओगे, चलो ऊपर की ओर चलो, वहां तक पानी नहीं आएगा। इस पर साधु ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे मेरे भगवान पे पूरा विश्वास है, वो मुझे डूबने नहीं देंगे। उस आदमी ने साधु को बहुत समझाया कि चल लो ऊपर, लेकिन साधु माना ही नहीं, वो फिर आदमी अकेला ही चला गया। उसके बाद इसी तरीके से इधर से उधर लोग भागते रहे, पानी का स्तर अब बढ़ता जा रहा था। फिर एक नाव वाला आया और उसने फिर साधु को कहा कि पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, आप डूब कर मर जाओगे, हमारी नाव में अभी भी एक आदमी की जगह खाली है, हम चाहें तो आपकी जान बचा सकते हैं, आप हमारी नाव में चल लीजिए, क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। लेकिन साधु फिर यही कह रहा था कि मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। उस नाव वाले ने भी काफी समझाया लेकिन साधु नहीं माना, फिर वो नाव वाला भी चला गया। फिर इसी तरीके से अब पानी का स्तर और ज्यादा बढ़ गया था और पानी उसकी कमर से भी ऊपर पहुंच गया था। साधु को बचाने के लिए पेड़ पर बैठ गया, लेकिन फिर भी उसको ये यकीन था कि उसको कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके भगवान उसके साथ हैं। एक आखिरी आस, एक हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा था जिसने नीचे की ओर रस्सी फेंकी उस साधु को बचाने के लिए, लेकिन साधु ने फिर यही कहा कि आप अपनी रस्सी को कृपया करके ऊपर की ओर खींच ले क्योंकि मैं इसके सहारे ऊपर नहीं आऊंगा, मुझे मेरे भगवान बचाएंगे और मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो हेलीकॉप्टर भी बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए वहां से चला गया, लेकिन अब साधु के पास भी और कोई आस नहीं थी और वो साधु डूब कर मर गया। जी हाँ, और जब फिर साधु मर गया, ऊपर जाकर उसने भगवान से पूछा कि भगवान जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, मैं तो आपकी इतनी आस्था रखता था, आपकी इतनी पूजा करता था, आप पे इतना विश्वास रखता था कि आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे, फिर भी आपने मेरी जान ले ली। इस पर भगवान ने कहा कि मूर्ख प्राणी, मैंने कितनों को तेरे लिए भेजा, सिर्फ एक को नहीं, मैंने 3 लोगों को तेरे लिए भेजा, तेरी जान बचाने के लिए भेजा, पहले उस पैदल आदमी को भेजा, फिर नाव वाले को भेजा और फिर हेलीकॉप्टर के रूप में भी मैं खुद आया, लेकिन तू अपने उसी घमंड में था कि मैं खुद आकर तुझे बचाऊंगा, ये धरती पर जितने भी लोग हैं ये सब मेरे ही बनाए हुए हैं और ये सब एक दूसरे की सहायता करने के लिए हैं, लेकिन अगर तुझ में यही बात रहेगी कि तुम खुद आकर मुझे बचाओगे तो ऐसे कैसे चलेगा। इसी तरीके से हमारे जिंदगी में भी होता है और आज के टाइम में भी यही हो रहा है, हर इंसान यही सोच रहा है कि कोरोना के टाइम में हमें भगवान खुद बचा लेगा, लेकिन भगवान ये सफाई कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को, पुलिस को अपने खुद के रूप में भेज रहा है ताकि वो हमारी जान बचाए, लेकिन इंसान के मन में यही चीज भरी हुई है कि अगर हमने किसी का कुछ गलत नहीं किया या हम भगवान में आस्था रखते हैं तो भगवान हमें खुद आकर बचाएगा, और इसी की वजह से आज लाखों लोगों की जानें भी जा रही हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे यही विनती है कि चाहे ये कोरोना पेंडेमिक हो या आम जिंदगी हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जिंदगी की हर एक चीज हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है और हमारे लिए एक ऐसी चीज है जो हमारी मदद कर सकती है। स्वयं भगवान कभी भी धरती पर आकर नहीं हमें बचाएंगे, वो कुछ कुछ चीजें भेजेंगे जिनकी सहायता से हम आगे बढ़ सकते हैं, बस जरूरत है तो उन चीजों को समझने की और उनका सदुपयोग करने की। अगर आपको भी मेरी बातें सही लगी और आप भी मेरी बातों से सहमत है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें यस टीवी, थैंक यू।